हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ मैं जयपुर में और आज से मेरा एक नया टूर स्टार्ट हो रहा है जो है करीब 25-26 दिनों का। तो सोच रहा था जाने से पहले आपको कि मैं टूर का छोटा ब्रीफ दे दूँ। तो आज रात को मैं निकल रहा हूँ जयपुर से सिंगापुर वाया मलेशिया। कुआलालंपुर में मेरा 6 घंटे का स्टॉपेज है और सिंगापुर में मैंने कोई स्टॉपेज या हॉल्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे आगे निकलना है। सिंगापुर को मैंने एक एज ए बेस कैंप मैंने यूज़ किया है। सिंगापुर से नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट है बैंकॉक। बैंकॉक में भी मेरा कोई स्टॉपेज या स्टे नहीं है। वहाँ से उसी दिन 2 घंटे बाद मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है चियांगमाई। चियांगमाई एक हिप्पी रीजन है, फेमस है बैकपैकर्स के लिए। चियांगमाई और पाए ये मुझे कवर करना है करीब 7-8 दिनों के अंदर और वहाँ से वापस बैंकॉक। बैंकॉक से मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है फिलीपींस में सीबू और मनीला। इसका भी करीब 5-7 दिन का मेरा है कवर करने का। और वहाँ से जापान में टोक्यो और ओसाका। ये पूरा टूर जो मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ 12 से 15 दिनों में हो जाना चाहिए। 30 दिसंबर की मेरी सिंगापुर से रिटर्न फ्लाइट है जयपुर और 31 दिसंबर 9:30 बजे मैं फिर जा रहा हूँ स्पाइस जेट से दुबई। 31 नाइट मुझे दुबई में सेलिब्रेट करनी है। दुबई में मैं 4 जनवरी तक रुकूँगा और 4 की नाइट में रिटर्न मेरी जयपुर है। अभी एक टेंटेटिव मेरी आइटनरी है, कुछ भी फिक्स नहीं है। कोई मैंने होटल बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वीज़ाज लगे हैं और एयर टिकट्स मेरी कन्फर्म है। बाकी देखता हूँ। सुबह मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा लंबा और इस टाइप से हार्ड कोर एक ट्रिप प्लान किया है। देखते हैं कितना पेमेंट कर पाते हैं, कितना इन्जॉय करते हैं। बस आप लोग साथ रहिए और प्यार और कमेंट्स देते रहिए और गुड लक कीजिए। मिलते हैं। मैं बैठ चुका हूँ जयपुर से कुआलालंपुर की फ़्लाइट में। टाइम अभी करीब करीब 10:30 हुआ है। 11:30 की फ़्लाइट है। पूरी फ़्लाइट पैक है। हालांकि जोन 1 में होने के कारण मुझे पहले बोर्ड करा दिया गया। बाकी पूरी फ़्लाइट पैक है। देखते हैं आगे कौन आता है पड़ोस में। अभी मैं पहुंचा हूं कुआलालंपुर एयरपोर्ट और मलेशिया के हिसाब से टाइम हुआ है 7:14। अब यहां मेरा 6 घंटे 15 मिनट का स्टॉपेज है और दोपहर में 1:20 की मेरी फ़्लाइट है दुबई की सिंगापुर के लिए। काफ़ी साफ़ सुथरा एयरपोर्ट बना रखा है इन्होंने, काफ़ी स्पेस है रहने के लिए। एयरपोर्ट पे ही आपको फ्री हाई स्पीड वाईफाई भी अवेलेबल है जो 24 आवर्स के लिए है। मैं जिस फ्लाइट्स में अभी आया हूँ यहाँ ऑलमोस्ट इंडियंस कपल हैं जो हनीमून के लिए या तो सिंगापुर ट्रेवल कर रहे हैं या बाली जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ Terminal 3 से Terminal 2 जहाँ से मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट निकलती है दुबई वगैरह के लिए। यहाँ से ही बैंकॉक की फ़्लाइट भी है। We're not going there, it's so boring.
नूडल्स एक काउंटर है यहाँ पे जहाँ नूडल्स की कई वैरायटी है। मैंने ऑर्डर किया है ये टॉम यम सूप और वाइट कॉफ़ी। बाउल छोटा ही है, प्रॉन वगैरह सब पता नहीं टेस्ट कैसा है। यह है मलेशिया का फेमस टॉम यम सूप। चांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शाम को अब यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है बैंकॉक के लिए। 6 घंटे का स्टॉपेज है तो बस वेट कर रहा हूँ। कुछ भूख लगी थी तो मैगनीस ऑर्डर दिया है। यह है मलेशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट किला 2। काफ़ी साफ़ सुथरा, बहुत बड़ा और पैसेंजर से भरा हुआ है।